रायगढ़ में खेल संगठन के तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट लीग प्रथम वर्ष का उद्घाटन मुख्य अतिथि कलेक्टर यशवंत कुमार व एसपी संतोष कुमार सिंह का गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ, जहां उद्घाटन मैच संस्कार अकादमी और ओपीजे आईटी के मध्य खेला गया, जिसमें संस्कार अकादमी ने जीत दर्ज किया। अमित कुमार इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने। रायगढ़ जिले में परंपरागत ड्यूज बॉल क्रिकेट को बढ़ावा देने, जिले के खिलाड़ियों को तराशने व उनको सहयोग देने के उद्देश्य से रायगढ़ जिले में ड्यूज क्रिकेट में नाम कमाने वाले कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों एवं वर्तमान खिलाड़ियों सहित कुछ खेल प्रेमियों ने मिलकर रायगढ़ खेल संगठन का निर्माण किया है। रायगढ़ खेल संगठन जिले के खिलाड़ियों के खेल कौशल व उनकी प्रतिभा को सामने लाने के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए उन्हें टूर्नामेंट का आयोजन व आवश्यक सहयोग हेतु संकल्पित है। इसी उद्देश्य के पूर्ति हेतु रायगढ़ खेल संगठन ने एक पहल की शुरुआत की है और जिले के खिलाड़ियों को उनके खेल प्रतिभा के प्रदर्शन को निखारते हुए 23 फरवरी 2020 से स्थानीय शासकीय किड़ोरीमल महाविद्यालय के ग्राउंड लाल मैदान में टर्फ विकेट पर रायगढ़ क्रिकेट लीग ड्यूज बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ किया है, ताकि जिले के खिलाड़ियों को ड्यूज क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने का अवसर मिल सके, क्योंकि जिले में ड्यूज क्रिकेट का आयोजन बहुत कम होता है और हमारे युवा खिलाड़ियों को मैच टूर्नामेंट व मैच खेलने का अवसर व अनुभव कम मिलता है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों व ड्यूज क्रिकेट का बढ़ावा देना है कि रायगढ़ खेल संगठन के सह सचिव विकास पांडे वरिष्ठ क्रिकेटर ने बताया कि इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का उत्साह व मनोबल बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता के विजेता टीम को पुरस्कार स्वरूप 11,100 रुपए नगद व विजेता ट्रॉफी तथा उप विजेता टीम को 7,100 रुपए नगद व उप विजेता ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में कई आकर्षण पुरस्कार खिलाड़ियों के हौसले अफजाई हेतु रखा गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र रक्षक के सम्मान से खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। बाहर से आने वाले टीमों के लिए खाने की बेहतर व्यवस्था रखी गई है, क्योंकि इस टूर्नामेंट का प्रमुख केंद्र बिंदु राष्ट्रीय स्तर का टर्फ विकेट है, जिसमें रोज 30-30 ओवर का मैच खेला जाएगा। एक रायगढ़ खेल संगठन के विषय में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअली रायगढ़ क्रिकेट संगठन का गठन हमारे सीनियर प्लेयर मनीष भैया, चंद्रेश भैया, ब्रजेश भैया, महेंद्र भैया, संदीप भैया, जारे जितने भी ड्यूज के क्रिकेटर हैं, आजादला, भंडी चौक, सिटी फोर्ट्स, स्टार इलेवन जैसे जो भी खिलाड़ी यहाँ पर जिन्होंने जिला क्रिकेट को ड्यूज बॉल में काफ़ी बढ़िया योगदान दिया है, उन्होंने जब देखा कि रायगढ़ में ड्यूज बॉल का क्रिकेट मर चुका है, तो एक छोटी सी पहल हमने की है। 50-60 लोगों ने मिलकर एक रायगढ़ खेल संगठन निर्माण किया है और हमारा उद्देश्य और मोटो यही है कि रायगढ़ जिले में जो क्रिकेटर्स हैं उनको तलाशें, उनको तराशें और उनको क्रिकेट के में जो सहयोग हमारे संगठन के द्वारा किए जा सके, हम उसको आवश्यक रूप से करेंगे। आज जिला कलेक्टर महोदय को हमने ये उद्देश्य हमने बताया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आपने आयोजन किया है, तो उसी को उद्घाटन करने आज हम यशवंत कुमार जी को बुलाया था। कुछ मांग भी रखेंगे आप लोग? जी, हमारी मांगे तो शुरू से होती आ रही है, खेल मैदान और खिलाड़ियों के हितों के लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत थे। आज कलेक्टर साहब से भी हमने यही कहा कि रायगढ़ में ड्यूज क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए सर कुछ अच्छा सा प्रयास हम कर रहे हैं, तो आपके सहयोग की अपेक्षा, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि निसंदेह ड्यूज क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए हमसे जो हो पाएगा हम करेंगे। और रायगढ़ खेल संगठन ने जो आयोजन किया मैं उसके विषय में बताना चाहूँगा। यहाँ पे जिले से 10 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें संस्कार एकेडमी, गुरुकुल एकेडमी, ललुंगा, धर्म, जयगढ़, आज़ाद क्लब और घरघोड़ा, ओपीजेआईटी और पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसी टीमों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। आज उसका उद्घाटन मैच ओपीजेआईटी और संस्कार के मध्य खेला जा रहा है। बहुत ही अच्छा आयोजन है, जो बहुत समय से रायगढ़ जिले को जिसकी कमी थी उसको आज खेल संगठन ने अपने इस प्रयास से पूरा किया है। ड्यूज बॉल क्रिकेट जो कि एक मुख्य क्रिकेट है और वही क्रिकेट नहीं हो रहा था, ये बहुत ही निराशाजनक था, लेकिन रायगढ़ खेल संगठन ने इसको अपने, और ख़ास बात इसमें यह है कि सभी पुराने और सीनियर खिलाड़ी इस पे इन्वॉल्व हैं, जिसका सीधा फायदा मैच के साथ साथ खिलाड़ियों को भी होगा, इसलिए बहुत ही अच्छा आयोजन है। मैं बहुत ज़्यादा बधाई देता हूँ रायगढ़ खेल संगठन को और उसके प्रयास को। रायगढ़ खेल संगठन द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का एक जो आयोजन किया जा रहा है, बहुत ही उम्दा प्रयास है। इसमें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि रायगढ़ के जो खिलाड़ी हैं उनको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, पुराने लोग भी जो इसमें अच्छे खिलाड़ी रहे हैं उनका भी सानिध्य इन लोगों को प्राप्त होगा और इसमें नए टेक्निक्स वो लोग सीखेंगे, ताकि और भी क्रिकेट जो क्रिकेट में है वो लोग आगे जाएंगे।
ये ड्यूज बॉल प्रतियोगिता यहाँ पर प्रारंभ की गई है, जो बड़ी अच्छी पहल है। ड्यूज बॉल से जितने अधिक प्रोग्राम होंगे, जितने अधिक पार्टिसिपेंट्स भाग लेंगे यहाँ पे, जितने अधिक क्लब पार्टिसिपेट करेंगे, उतना रायगढ़ में क्रिकेट में रायगढ़ जो है आगे बढ़ेगा और खिलाड़ियों को उतने अधिक सीखने का अवसर मिलेगा। तो ये बड़ी अच्छी पहल है, मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।